क्या आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना नहीं आता है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया हूँ कि किन पर्सन को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उस पर्सन का एक्टिव है तो उन पर्सन को लाभ मिल रहा है या लाभ नहीं मिल रहा है। सोगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो आप रोजाना चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताया हूं कि किस तरीके से बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे। स्टेटस चेक करते ही आपको यह पता चल जाएगा कि इस बेनिफिशियरी को जो है लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको स्टेटस में एक्टिव दिख रहा होगा तो आप समझिए कि उस बेनिफिशियरी को जो है लाभ मिल रहा है, आधार कार्ड एक्टिव है तो समझिए लाभ मिल रहा है और आपको जो है नीचे शो कर देगा कि कितने इंस्टॉलमेंट उस पर्सन को मिला हुआ है। तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कि किस तरीके से बेनिफिशियरी का जो है स्टेटस कैसे चेक करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि आप कैसे ये चेक करेंगे बेनिफिशियरी लिस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई ब्राउजर को ओपन कीजिएगा और यहाँ पर डालना है पीएम किसान। यहाँ पर देखिए आ चुका है pmkisan.gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब जो है आपको ये चेक करना है कि आप जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो है स्टेटस क्या है, उसका एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अगर वो जो है अप्लाई किए हुआ है तो अगर उसका एक्टिव होगा तो उसको जो है सरकार की तरफ से जो है पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं बेनिफिशियरी लिस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने में यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आधार नंबर के द्वारा भी आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के द्वारा भी जो है आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि में जो है अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपका जो है एक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां पर मोबाइल नंबर डाल के ही चेक कर लेता हूं। तो यहां मैं डाल लेता हूं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी बेनिफिशियरी है उसका नाम आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, उसका जो आधार नंबर, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको जो है उसका जो है देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है उसका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर डन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर उसका देख रहे हैं कि कब जो है ये किए हुआ है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। यहाँ पर देखिए आधार स्टेटस क्या है, आधार नंबर इज वेरीफाइड। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ये जो है कैंडिडेट है उसका जो है यहाँ पर जो है एक्टिव, यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिव और यहाँ पर इनएक्टिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है पर्सन जो किसान है ये जो है एक्टिव है तो इस पर्सन को जो है सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा होगा। और मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट मोड जो है, यहाँ पर अकाउंटेंट है जो अकाउंट में इसका पैसा आता है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो है स्टेटस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो है यहाँ पे मिला हुआ है तो यह वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्स जो मिल चुका है और यहाँ पे जो है सेवन अभी नहीं मिला है तो सेवन जो है वो मिलेगा तो यहाँ पर उसको शो करेगा। यहाँ जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट जो आपका इसका अकाउंट नंबर आ चुका है, कब क्रिएट हुआ है वो आ चुका है और यहाँ पर है यू टी आर एन नंबर जो है उसका जो है यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर सेवन मिलेगा तो उसका यहाँ पे शो करेगा, एट मिलेगा तो यहाँ पे शो करेगा और नाइन्थ मिलेगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। सो गाइस आप देख रहे हैं कि जो ये जो कैंडिडेट है उसको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से उसको जो है लाभ मिल रहा है और कौन कौन से जो है इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा मिला है वो सारा का सारा यहाँ पे आप वो शो कर रहा होगा, कौन सा डेट में
मिला है वो डेट भी आप यहां पे देख सकते हैं कौन सा डेट में जो है इस पर्सन को जो है पैसा मिला हुआ है। सो गाइस यहां पे उसका पूरा एड्रेस वगैरह आ जाता है, यहां पे देख रहे हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे अकाउंट नंबर, यहां पे आईएफएससी कोड आ जाता है, यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे उसका जो है होम टाउन वगैरह आ जाता है और उसका पूरा डिटेल यहां पे आ जाता है। अगर किसी भी पर्सन को जो है नीचे यहां पे जो है यहां पे एक्टिव जो यहां पे शो हो रहा है, अगर किसी भी पर्सन को यहां पे जो है उसको जो एक्टिव शो नहीं हो रहा होगा तो समझिएगा कि उस पर्सन को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से उसको लाभ नहीं मिल रहा है और यहां पे जो है यहां पे उसको शो ही नहीं हो रहा होगा। जैसे यहां पे देखिए आधार नंबर ये वेरीफाइड है तो उस पर्सन का अगर नहीं मिल रहा होगा लाभ तो यहां पे जो है आधार नंबर वेरीफाइड भी नहीं होगा और यहां पे आप जो एक्टिव देख रहे हैं वो भी यहां पे जो है नहीं होगा। सो गाइस इस तरीके से अगर किसी भी पर्सन को लाभ मिलता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से तो आप जो है बहुत ही आसानी से आप जो है उसका जो है स्टेटस घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए और बिना आप जो है लाइन में खड़ा हुए कहीं जाके। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जो है इसको प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ प्रिंट वाला है इस पर क्लिक कीजिएगा और जो है आप इसको प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं। अगर आप किसी को देना है, अगर आपको साइबर कैफे या दुकान में है तो आप बहुत ईजी तरीके से प्रिंट निकाल के उस पर्सन को आप दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है, चलिए मैं इस पर कुछ नाम डाल देता हूँ इस तरीके से, मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा, ये सेव हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर अटैच रहेगा तो आप बहुत ईजी तरीके से उस पर्सन को प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। सो गाइस आप बहुत ही ईजी तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि घर बैठे कि कौन से पर्सन का जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उसका जो है एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो इस तरीके से शो होगा, अगर पैसा मिलता होगा तो इस तरीके से जो है उसको लिस्ट बाय लिस्ट यहां पर आप जैसे देख रहे हैं लिस्ट बाय लिस्ट उसको पैसा मिलता होगा वो भी आपको यहां पे शो होगा, कौन सा डेट में मिला है वो आपको यहां पे शो हो रहा होगा। सो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि किस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बेनिफिशियरी स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, किन पर्सन को सरकार के तरफ से पैसे मिल रहा है या पैसे नहीं उस पर्सन को मिल रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।